हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डील करेंगे विद सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अपने अब तक के वीडियोस में हमने अप टू सेक्शन 15 कवर कर लिया है बेयर एक्ट के साथ लाइन बाय लाइन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 16 बेसिकली लेजिटिमेसी के बारे में बात करता है ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। अगर हम सेक्शन 16 को बेसिक वे में समझें तो ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो कि वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न हुआ है वो बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, लाइक दैट ऑफ चाइल्ड बोर्न आफ्टर वैलिड मैरिज। तो किसी वैलिड मैरिज से, किसी वैध विवाह से उत्पन्न बच्चा क्या होता है? लेजिटिमेट होता है, यानी धर्मज संतान होता है, जायज बच्चा होता है। उसका स्टेटस लीगल होता है और इस बच्चे का जो राइट्स हैं ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी इस बच्चे का हिस्सा होगा और उनके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी इस बच्चे का हिस्सा होगा, क्योंकि इस बच्चे का जन्म वैलिड मैरिज से हुआ है। सेक्शन 16 किसी बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए यह कहता है कि कोई बच्चा भले ही वॉइड मैरिज से उत्पन्न हुआ हो या वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न हुआ हो, वो बच्चा भी लेजिटिमेट है, लाइक दैट ऑफ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वैलिड मैरिज, राइट। तो यहां पे ये कहा गया है कि कोई बच्चा वैलिड या इनवैलिड नहीं होता है, और यहां पे वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन को कंसीडर करते हुए उसके स्टेटस को लेजिटिमेट माना गया है, राइट। तो सेक्शन 16 कहता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। अब वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, इन दोनों ही सेक्शंस को हमने कवर किया है। हम जानते हैं कि सेक्शन 11 बात करता है वॉइड मैरिज के बारे में, सेक्शन 12 बात करता है वॉइडेबल मैरिज के बारे में, राइट। अगर हम अपने अब तक के सेक्शंस को रिकॉल करें तो सेक्शन 5 बात करता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में, सेक्शन 6 गार्जियनशिप इन हिंदू मैरिज जो कि रिपील हो चुका है, सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, 11 वॉइड मैरिज, 12 वॉइडेबल मैरिज, राइट। सेक्शन 13 डिवोर्स के बारे में, 14 नो पिटिशन ऑफ डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन वन ईयर ऑफ मैरिज, 15 डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, और 16 ये सेक्शन जिसे हम आज कवर कर रहे हैं। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इन दो सेक्शंस को देखो, सेक्शन 11 वॉइड मैरिज, सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज, ठीक। अगर हम बेसिक्स में समझें कि वॉइड मैरिज क्या है, तो वो कोई भी मैरिज जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो अपने आप में जीरो है, वो वॉइड मैरिज है। कब कोई मैरिज वॉइड मैरिज होगा? तो एक मैरिज जो कि संपन्न हुआ है, कोई विवाह जो संपन्न हुआ है इन वॉयलेशन ऑफ, किसके वॉयलेशन में? सेक्शन 5 जो कि बात करता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में। हिंदू विवाह के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, कुल 5 कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन 5 में दिए गए हैं।
तो कोई भी विवाह शून्य विवाह होगा, वॉइड मैरिज होगा, तब जब वो विवाह सेक्शन 5 के क्लॉज 1 क्लॉज 4 क्लॉज 5 के वॉयलेशन में हुआ है। अ मैरिज सोलेमनाइज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्लॉज 1 क्लॉज 4 क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 5 इज वॉइड मैरिज, यानी वो विवाह अपने आप में शून्य विवाह है, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। कानून उन दोनों पार्टीज को हस्बैंड एंड वाइफ नहीं मानती, राइट। तो क्लॉज 1 बेसिकली क्या है, बाइगैमी है, राइट। क्लॉज 4 डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, और क्लॉज 5 सपिंडा रिलेशनशिप। तो अगर विवाह सेक्शन 5 के क्लॉज 1 क्लॉज 4 क्लॉज 5 के वॉयलेशन में हुआ है तो वो विवाह वॉइड मैरिज है। इसे आप कंप्लीट समझ सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है सेक्शन 11 टू, राइट। और सेक्शन 12 बात करता है वॉइडेबल मैरिज के बारे में, शून्य करणीय विवाह के बारे में। वॉइडेबल मैरिज मीन्स वो मैरिज जो कि लीगली एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन अगर कोई पार्टी उसके एग्जिस्टेंस को चैलेंज करती है और कोर्ट उस मैरिज को डिसॉल्व कर देता है तो वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज हो जाएगा, यानी शून्य करणीय विवाह हो जाएगा। यानी किसी विवाह जिसका एग्जिस्टेंस तब तक है जब तक कोई पार्टी कोर्ट में पिटिशन फाइल नहीं कर देती है उसके वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए। तो सेक्शन 12 जो कि वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करता है, इसमें चार ग्राउंड्स दिए गए हैं। इन चार ग्राउंड्स में से किसी एक या एक से अधिक ग्राउंड्स के बेसिस पर हस्बैंड या वाइफ इस मैरिज के एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है इम्पोटेंसी। इधर वाइफ और हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। दूसरा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, राइट। तीसरा है कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड विवाह के दिन तक। इधर हस्बैंड और ऑफ वाइफ का जो कंसेंट था वो दूसरे पार्टी ने फ्रॉड करके ऑब्टेन किया था, यानी फ्री कंसेंट नहीं था विवाह के समय, इधर ऑफ हस्बैंड और ऑफ वाइफ। तो देयर वॉज लैक ऑफ फ्री कंसेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय आइदर पार्टी। और लास्ट कहता है प्री मैरिज प्रेगनेंसी, राइट। इन चार ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड को बेस बनाते हुए अगर हस्बैंड या वाइफ इस मैरिज के एग्जिस्टेंस को चैलेंज करते हैं और कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो इस मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और इसके एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया जा सकता है पार्टीज के द्वारा, राइट। तो यह है वॉइडेबल मैरिज, यानी जो लीगली एग्जिस्ट करेगा तब तक जब तक कोई पार्टी इस मैरिज के एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं कर देती है इन चार में से किसी एक या एक से अधिक ग्राउंड्स के बेसिस पर, राइट। तो सेक्शन 16 क्लियरली ये कहता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द चाइल्ड इज रिजल्ट ऑफ वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज, दैट चाइल्ड इज लेजिटिमेट चाइल्ड, वो बच्चा धर्मज संतान होगा, लेजिटिमेट होगा, जायज होगा, राइट। तो मैरिज बेसिकली तीन प्रकार की हो सकती है, पहला वैलिड मैरिज, दूसरा वॉइड मैरिज और तीसरा वॉइडेबल मैरिज। किस मैरिज को, किस विवाह को हम वैलिड मैरिज कहेंगे? तो कोई विवाह जो कि संपन्न हुआ है और जो सेक्शन 5 और सेक्शन 7 के प्रोविजंस को फुलफिल करता हो वो विवाह वैलिड विवाह है, वैध विवाह है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एवरी मैरिज इज वैलिड मैरिज, यानी इट इज हैविंग एग्जिस्टेंस इन आई ऑफ लॉ। जो विवाह सेक्शन 5
और सेक्शन 7 के शर्तों को पूरा करता हूँ। सेक्शन 5 कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, 5 कंडीशंस हैं। और सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, रिचुअल्स ऑफ हिंदू मैरिज। और वॉइड मैरिज क्या है तो हमने जाना अभी, वॉइडेबल मैरिज क्या है हमने समझ लिया, राइट। वॉइड मैरिज में पार्टीज का कोई स्टेटस नहीं होता है एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन वॉइडेबल मैरिज में हस्बैंड एंड वाइफ का स्टेटस बना रहता है तब तक जब तक वो इस मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए कोर्ट में पिटिशन नहीं फाइल कर देते हैं और मैरिज डिसॉल्व नहीं हो जाता है, राइट। वॉइड मैरिज में हमें मैरिज को डिसॉल्व नहीं कराना होता है क्योंकि वो मैरिज अपने आप में नल एंड वॉइड होता है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज में हमें उसे डिसॉल्व करने के लिए डिग्री ऑफ नलिटी पास कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करना होता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 16 के बारे में। अब इतना समझने के बाद जब आप सेक्शन 16 में आओगे और बेयर एक्ट को रीड करोगे तो सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ये जो अब तक का डिस्कशन था वो इम्पोर्टेंट था। अब हम बात करेंगे सेक्शन 16 के बारे में। तो क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट अ मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11, इस बात के होते हुए भी कि जो विवाह है वो संपन्न हुआ है और वो विवाह अंडर सेक्शन 11 नल एंड वॉइड है। अगर वॉइड मैरिज है तो अपने आप में क्या है वो नल है, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज, उस वॉइड मैरिज से कोई विवाह जो कि वॉइड मैरिज है उस विवाह से कोई बच्चा उत्पन्न होता है। एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट, जो कि लेजिटिमेट होता इफ द मैरिज हैड बीन वैलिड, यदि वो मैरिज वॉइड मैरिज ना होकर के वैलिड मैरिज होता तो जो बच्चा होता वो लेजिटिमेट होता, धर्मज होता। शैल बी लेजिटिमेट वेदर सच चाइल्ड इज बॉर्न बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो वो बच्चा जो कि रिजल्ट है वॉइड मैरिज का, वो वैलिड मैरिज से अगर कोई बच्चा होता तो वो लेजिटिमेट माना जाता। तो सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 केवल ये कहता है कि भले ही वॉइड मैरिज से कोई बच्चा हुआ है मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट के पहले या बाद में, उस बच्चे का जो स्टेटस होगा वो सेम स्टेटस होगा जैसे कोई बच्चा अगर वैलिड मैरिज से पैदा होता है। वेदर और नॉट अ डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैरिज अंडर दिस एक्ट एंड वेदर और नॉट द मैरिज इज हेल्ड टू बी वॉइड अदरवाइज देन ऑन अ पिटीशन अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 क्लियरली ये कहता है कि कोई बच्चा जो कि वॉइड मैरिज का रिजल्ट है उसका स्टेटस सेम होगा अगर कोई बच्चा वैलिड मैरिज से उत्पन्न होता है बिफोर और आफ्टर मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, 1976 से पहले अगर वो बच्चा हुआ है या 1976 के बाद वो बच्चा हुआ है और वो बच्चा वॉइड मैरिज का रिजल्ट है तो उसका जो स्टेटस होगा वो वैलिड मैरिज से उत्पन्न हुए बच्चे की तरह ही होगा और वो बच्चा भी लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, राइट। अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में आओ, तो यहां भी ये कहा गया है कि कोई बच्चा जो कि वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुआ है उसका भी जो स्टेटस होगा वो वैलिड मैरिज से उत्पन्न हुए बच्चे की तरह होगा, यानी वो बच्चा भी लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, राइट। वेदर अ डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉइडेबल मैरिज, वॉइडेबल मैरिज के रिस्पेक्ट में कोई डिग्री ऑफ नलिटी ग्रांट हुई हो या ना हुई हो। एनी चाइल्ड बी गॉटन, कोई बच्चा अगर पैदा होता है और कंसीव्ड या मां के गर्भ में आता है बिफोर डिग्री इज मेड, मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए डिग्री ऑफ नलिटी पास कराने के लिए मान लो इधर पार्टी ने पिटीशन फाइल कर रखा था और कोर्ट ने अभी डिग्री
पास नहीं की थी. हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ पार्टीज टू द मैरिज इफ एट द डेट ऑफ डिक्री इट हैड बीन डिसॉल्व इंस्टेड ऑफ बीइंग एनल्ड शैल बी डीम्ड टू बी देयर लेजिटिमेट चाइल्ड नॉट विदस्टैंडिंग द डिक्री ऑफ नलिटी. तो सपोज करो कि हस्बैंड ने इस ग्राउंड पर मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए कोर्ट में पिटिशन फाइल कर रखा था कि उसकी जो वाइफ है वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज. कोर्ट ने भले ही डिग्री ऑफ नलिटी पास कर दी, उस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया, वॉइडेबल मैरिज को डिसॉल्व कर दिया, फिर भी वो जो बच्चा होगा उसका जो स्टेटस होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा और उसी हस्बैंड का चाइल्ड माना जाएगा, क्योंकि यहां पे बच्चे के वेलफेयर पे फोकस किया गया है. राइट. सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 क्या कहता है? ये बेसिकली इललेजिटिमेट चाइल्ड के राइट्स के बारे में बात करता है और ये कहता है कि कोई बच्चा अगर इललेजिटिमेट चाइल्ड है यानी ही और शी इज रिजल्ट ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, तो अगर हम उसके राइट्स के बारे में बात करें तो केवल और केवल पेरेंट्स के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर ही उस बच्चे का राइट्स होता है, ना कि पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर उसका राइट्स होता है. ठीक है. तो यानी इललेजिटिमेट चाइल्ड कैन क्लेम राइट्स ओवर देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी ओनली, और उसमें भी केवल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर ही इललेजिटिमेट चाइल्ड क्लेम कर सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर वो क्लेम नहीं कर सकता. लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने प्रीवियस रूलिंग को ओवर रूल करते हुए ये क्लियर कर दिया है कि कोई बच्चा वॉइड मैरिज से पैदा हुआ है या वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुआ है वो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा. और सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 की प्रोविजंस को अगर हम देखें तो ये क्लियरली ये कहता है कि उस बच्चे का केवल और केवल पेरेंट्स के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर ही राइट्स होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि हर समय जो इललेजिटिमेसी है वो चेंज होता है सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, इसलिए जो इललेजिटिमेट चाइल्ड है वो किसी वैलिड मैरिज से उत्पन्न बच्चे का जो भी राइट्स होता है, जैसे वो पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर उसका राइट्स होता है और पेरेंट्स के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज पर भी उसका राइट्स होता है, तो इसी चीज को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये क्लियर कर दिया है कि वैलिड मैरिज से उत्पन्न बच्चे की तरह ही उसके जो भी राइट्स होते हैं सेम राइट्स वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न बच्चे के भी होंगे, और इललेजिटिमेट चाइल्ड पेरेंट्स के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज में पार्टीशन क्लेम कर सकता है और साथ ही साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी वो अपना क्लेम कर सकता है. ठीक है. तो अब इललेजिटिमेट चाइल्ड पेरेंट्स के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में राइट्स क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3. ऑल्सो दे कैन क्लेम पार्टीशन और दे कैन क्लेम देयर राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, जो कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में अब तक नहीं था. तो यानी अब इललेजिटिमेट चाइल्ड के पास वो सभी राइट्स होंगे जो कि लेजिटिमेट चाइल्ड के पास. ठीक. तो ये था सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, 2, 3 जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.